गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर सिक्स. आवर चैप्टर सिक्स इज प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग. ओके, सो टेक आउट योर बुक, पेज नंबर ओपन, पेज नंबर 46. पेज नंबर 46, ओपन योर बुक एंड ओनली लिसन टू मी. अंडरस्टैंड ना? सो प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट सच एज माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन, पॉन्ड्स एटसेट्रा. सो प्लांट्स जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रो करता है. जैसे वो माउंटेन पे भी ग्रो करता है, डेजर्ट में भी करता है, पॉन्ड में भी करता है. सो द इन्वायरमेंट इन विच प्लांट ग्रो इज कॉल्ड नेचुरल हैबिटेट. वो इन्वायरमेंट जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, उस इन्वायरमेंट्स को कहते हैं नेचुरल हैबिटेट. हैबिटेट आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट. सो हैबिटेट आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड इज एक्वेटिक एक्वेटिक हैबिटेट. ओके, सो इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट प्लेन्स, मार्शी एरिया एंड डेजर्ट आर इंक्लूडेड. एंड इन एक्वेटिक हैबिटेट पॉन्ड, लेक, रिवर एंड सीज आर इंक्लूड. प्लांट्स नीड एयर, वाटर, इनफ सनलाइट, न्यूट्रिएंट, सॉइल एंड राइट वेदर कंडीशन. यानी प्लांट्स को नीड होती है एयर की, सनलाइट की, वाटर की एंड राइट कंडीशन ऑफ वेदर. यानी सही वेदर की एंड सॉइल की एंड न्यूट्रिएंट्स की. ये सब चीज़ें जो प्रोवाइड कराता है उसको बोलते हैं हैबिटेट. सो दीज नीड ऑफ प्लांट, यानी ये नीड जो प्लांट्स की ये नीड है उसको फुलफिल्ड बाय देयर हैबिटेट. उसका हैबिटेट जो है वो उसको वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराता है. सो दिस इज कॉल्ड हैबिटेट. वन टाइम अगेन लिसन. प्लांट नीड एयर, वाटर, इनफ सनलाइट, न्यूट्रिएंट, सॉइल एंड राइट वेदर कंडीशन. सो दीज नीड ऑफ प्लांट फुलफिल्ड बाय देयर हैबिटेट. वो उसको हैबिटेट के थ्रू मिल जाता है. एंड एवरी हैबिटेट मे नॉट हैव आइडियल कंडीशन फॉर प्लांट टू ग्रो. यानी हर हैबिटेट ऐसा नहीं होता है कि उसके लिए, प्लांट्स के लिए एक आइडियल कंडीशन ही दे पाता है. कुछ में उसको, प्लांट्स को भी अपने लिए सर्वाइव करना पड़ता है. प्लांट टू ग्रो एंड सर्वाइव, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए कुछ कंडीशन अपनी तरफ से भी देनी पड़ती है. एग्जाम्पल, डेजर्ट आर एक्सट्रीमली हॉट. डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एंड इन माउंटेन एरिया में बहुत ज़्यादा हॉट कोल्डनेस होती है. बाय वन टाइम लिसन. डेजर्ट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई एंड देयर इज स्कैर्सिटी. स्कैर्सिटी मीन लेस, यानी बहुत कम मात्रा में. स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट, यानी डेजर्ट में बहुत कम मात्रा में पानी होता है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड देखिए कि इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड इन हाई माउंटेन. माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है ड्यू टू हैवी रेनफॉल. रेनफॉल की वजह से, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से वहाँ पर बहुत एक्सट्रीमली कोल्डनेस होती है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड होती है. प्लांट्स अंडरगो चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट. इसलिए प्लांट्स ही अपने आप में, अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर लेता है इन्वायरमेंट के थ्रू, इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए. सच चेंजेस टू मेक प्लांट्स सुटेड टू देयर इन्वायरमेंट कॉल्ड एडेप्टेशन. जो प्लांट्स अपनी तरफ से जो चेंजेस करता है इन्वायरमेंट में रहने के लिए, उस चेंजेस को एडेप्टेशन कहा जाता है. सो डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन, स्पेशल फीचर दैट अलाउ plants to live and grow in their
habitat, their natural environment, natural habitat, sorry. And a special feature that allow plants to live and grow in their natural habitat. Natural habitat यानी जो habitat उसको मिला हुआ होता है, जैसे deserts के plants को जो environment जो habitat दे रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा hotness दे रहा है, तो उसके थ्रू प्लांट्स में जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, प्लांट्स में जो स्पेशल चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को एडेप्टेशन कहा जाता है. सो डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन, स्पेशल फीचर दैट अलाउ प्लांट्स टू लाइव एंड ग्रो इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नेचुरल इन्वायरमेंट इज नोन एज एडेप्टेशन. सॉरी, इन्वायरमेंट है environment. Okay, then next, terrestrial plants. So page number 47, terrestrial plant. What do you mean by terrestrial plants? Terrestrial plants grow on land, yani jo land pe grow hote hain, plants that grow on land is known as terrestrial plants. Plants that grow on land mein, such as desert, mountain, marshy areas means daldal, okay, marshy area and plains are known as terrestrial plant, known as terrestrial plants. So definition of terrestrial plants, listen one time again. Plants that grow on land such as desert, mountain, marshy area and plains are known as terrestrial plant. And वो plant जो कि grow करते हैं इन जगहों पर, desert, mountain, marshy area and plains में, उन plants को terrestrial plant कहा जाता है. So plants that grow in plains, यानी वो plants जो कि plain में grow करते हैं, the climate in the plain can range from very hot and very cold. यानी plains में ranges होती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है, very hot भी हो सकता है and very cold भी weather हो सकता है. So example, in desert habitat very hot, and in mountain habitat very cold due to heavy rainfall. यानी heavy rainfall की वजह से mountain range में बहुत ज़्यादा coldness होती है and बहुत ज़्यादा hotness कहाँ होती है, desert में. Okay, so plant that grow in plain have many branches and lush green crowns. The climate, plants that grow in plain have many branches and lush green crowns. यानी plants में बहुत ज़्यादा leaves होती हैं और बहुत ज़्यादा branches होती हैं, उसके कारण उस पर एक crown, यानी एक पूरा crown मुकुट की तरह हो जाता है. And people, example for people, banyan tree, neem and mango are the example of trees that grow in plains. Plains में कौन कौन से trees होते हैं, neem, people, mango and banyan tree. The tree in the plain have large number of thin lightweight leaves. यानी जो plains में जो trees होते हैं उसमें lightweight leaves होती हैं और thin leaves होती हैं, और बहुत number of इन्हें बहुत ज़्यादा leaves होती हैं. The large number of leaves help them capture a lot of sunlight. बहुत ज़्यादा leaves होने की वजह से वो sunlight को बहुत मात्रा में large quantity में sunlight को absorb करती हैं, trap करती हैं and to make food, और food prepare करती हैं.
इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है. ओके, प्लांट्स प्रोड्यूस होल प्लांट होल फूड प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर होल प्लांट इज नोन एज सो इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ओके, एंड द लार्ज नंबर ऑफ लीव्स हेल्प देम कैप्चर अ लॉट ऑफ सनलाइट एंड मेक अ फूड. यानी सनलाइट को ट्रैप करती है और फूड को प्रिपेयर करती है. सम ट्रीज कीप शेडिंग लीव्स. शेडिंग लीव्स मीन्स इन्हें जो पत्तियाँ गिरती है, पतझड़ जिसको बोलते हैं. ओके, कुछ ट्रीज में शेडिंग ऑफ लीव्स भी होती है क्योंकि पतझड़ भी होता है. एंड ग्रोविंग न्यू वंस थ्रू आउट द ईयर. और नई पत्तियाँ भी आती रहती है, इसलिए पूरे साल भर पूरे ईयर वो प्लांट्स ग्रीन रहता है. इसलिए इस टाइप के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एवर ग्रीन प्लांट्स. सो दे स्टे ग्रीन राउंड ईयर, सो दे आर कॉल्ड एवर ग्रीन प्लांट. इसीलिए इसको एवर ग्रीन प्लांट कहा जाता है. एंड सम ट्रीज सो एवर ग्रीन प्लांट्स. ओके, एंड डेसीड्यूअस प्लांट्स. सम ट्रीज इन द प्लेन, कुछ ट्रीज जो होते हैं प्लेन्स में, शेड ऑल देयर लीव्स वन ईयर. एक ही पूरे ईयर में वन टाइम ही उसमें शेडिंग ऑफ लीव्स होता है, यानी एक टाइम ही उसमें पतझड़ होता है. एंड ड्यूरिंग द विंटर, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर, यानी अधिकतर विंटर में. एंड सच ट्रीज कॉल्ड डेसीडियस ट्रीज. इस टाइप के ट्रीज को क्या बोलते हैं, डेसीडियस ट्री. डेसीडियस ट्रीज में शेडिंग ऑफ लीव्स कब होता है, स्पेशली इन विंटर, विंटर में होता है. और न्यू इन डेसीडियस ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स. डेसीडियस ट्रीज में जो नई पत्तियाँ आती है, नई लीव्स आती है, वो कब आती है, स्पेशली इन स्प्रिंग सीजन. ओके, थैंक यू.